2019 के लोकसभा चुनाव की मतगणना आज देश भर में हो रही है और देश भर में बीजेपी सभी सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का सामने आ रहा है देश भर से। और अगर हम वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की भी सभी सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ती तेजी से दिखाई दे रही है। चाहे हम इंदौर लोकसभा सीट की बात करें, भोपाल लोकसभा सीट की बात करें, राजगढ़ की बात करें, देपालपुर की बात करें, देवास की बात करें, सभी जगह से बीजेपी अपनी जीत दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम भोपाल की बात करें, क्योंकि भोपाल पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान काफी चर्चाओं में बना हुआ था, वहां का चुनाव प्रचार भी काफी चर्चाओं में रहा था, देश भर में भोपाल लोकसभा सीट की काफी चर्चा हुई थी, इसीलिए हम भोपाल की ही बात करें तो वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की हार इस वक्त नजर आ रही है, काफी पीछे होते जा रहे हैं दिग्विजय सिंह बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा से। इसलिए दिग्विजय सिंह वहां पर मौजूद तो है मतगणना स्थल पर, अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ वे इस वक्त मौजूद है, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मतगणना स्थल पर मौजूद है, लेकिन दिग्विजय सिंह का चेहरा मुरझाया हुआ सा नजर आने लगा है, कहीं ना कहीं उनको अपनी हार दिखाई देने लगी है सामने, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वे काफी अंतरों से इस वक्त आगे चल रही हैं। और वहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा की जीत के लिए भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हवन पूजन भी किया जा रहा है, जोर शोर से वहां खुशी की लहर भी दौड़ गई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, इसलिए वे पूजा पाठ और हवन पूजन का कार्यक्रम भी उन्होंने शुरू कर दिया है साध्वी प्रज्ञा की जीत के लिए, बीजेपी की जीत के लिए।